आप लोग रोज टीवी अखबार देखते होंगे, उनमें किसानों के चेहरे हंसते हुए नजर आते हैं, हाथ में पैसा नजर आता है और सरकार के वादे नजर आते हैं। सड़कों पर चलते होंगे तो बड़े बड़े होर्डिंग्स नजर आते हैं जिनमें किसानों के खिलते हुए चेहरे नजर आते हैं। लेकिन ये भी देश के किसान हैं जो अपनी मांगों को लेकर बार बार यहाँ पर प्रदर्शन करने आते हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या मसला होता है, क्या सरकार आपकी मांगे नहीं मांगती। मैं कुछ वाक्य याद दिलाना चाहता हूं आपको कि सरकार को राहुल गांधी का बयान याद रहता है कि लंदन में जाके देश का अपमान करते हैं, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की जान चली जाती है, उस पर कोई भी नेता सरकार का बयान देने को राजी नहीं होता। क्या वो देश का अपमान नहीं है? क्या किसानों की जान की कोई कीमत नहीं है? नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। ये देश के किसान है, कोई बाहर के किसान नहीं है, कोई लॉजिक साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा मैं। ये किसान आज फिर यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर आए, इनसे जानते हैं कि क्यों वो सरकार से खुश नहीं है और किस बात को लेकर वो यहाँ पर आए हैं। रामलीला ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ, दिल्ली का रामलीला ग्राउंड है और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर ये किसान प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। सर क्या नाम है आपका? सुमित नाम है। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि इस देश की जो सरकार है वो इस देश के किसानों को उजाड़ना चाहती है। कहाँ से आए हो? हम रोहतक से आए, हरियाणा से, किसान सभा से। हम ये कहना चाहते हैं कि एक साल भर हम जो बॉर्डर्स पे बैठे रहे उसमें हमारी कुछ मांगे थी और केंद्र सरकार ने उन मांगों को पूरा करने की बजाय पूरे देश के किसानों के साथ विश्वासघात किया। 12 महीने तक सर्दी गर्मी बरसात के मौसम में और 750 से ज्यादा अपने किसान भाइयों को खोने के बाद जो सरकार ने वायदे हमें किए थे उन वायदे को आज तक लागू नहीं किया, जिसमें फसल खरीद की गारंटी का कानून था, MSP की मांग थी, बिजली कानून को वापस लेने की मांग थी, जिसमें ये मांग थी कि देश के किसानों और मजदूरों को कर्जा मुक्त किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने सिवाय किसानों को उजाड़ने के और कुछ नहीं किया, वायदा खिलाफी की है। उस वायदा खिलाफी को लेके खिलाफ ही आज यहाँ पे हम एकजुट हुए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। कृषि कानून तो वापस ले लिए ना सरकार ने? कृषि कानून वापस लेके खतरा जो है पूरी खेती के ऊपर भी मंडरा रहा है और चोर दरवाजे से जो है सरकार उन्हीं कानूनों को लागू करना चाहती है, इसलिए यहाँ पहुंचे। सरकार तो वादे करती है किसानों की आय दुगनी के अच्छे दिन के। नहीं, वादे तो इसने केवल क्या क्या किया, लेकिन आय दुगनी होने की बजाय किसान की आय दुगनी घट गई। अच्छा। और आप कहते हो बोले तीनों काले कानून वापस ले लिए, लेकिन आज भी पूरे देश के अंदर मात्र गेहूँ की फसल 6% खरीदी है, सारी की सारी कारपोरेट घरानों का चली गई और खान वाले वहाँ गेहूँ 3,000 रुपए क्विंटल मिली और इन बरामदे गेहूँ के रेट फिर वही आ गए। इस किसान की फसल 2,100 बिकेगी, लेकिन कारपोरेट घराना मुनाफा कमा के रेट को डाउन करने के लिए बरामदेही बाजार में लेता है और निर्यात पर रोक लगा दी, गेहूँ मंदी आ गई। व्यापारी के लिए निर्यात था, किसान के लिए निर्यात नहीं है। तो हम यहाँ दिल्ली में इस बात को लेकर है, जो आपने वादे किए थे उनको पूरा करना, गद्दी से छोड़ चले जाओ। ऐसे कैसे चले जाएंगे वादे भी तो? आज तक जाने ऐसी चिंता इनके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने अभी देखा हो महाराष्ट्र का जो किसान है, प्याज का किसान, वो भी सड़कों पे। हमारे हरियाणा के अंदर पिछली बार बाजरे का एक भी दाना नहीं खरीदा। सरसों जो MSP है, MSP के भाव से नीचे बिक रही है। किसान आंदोलन के दौरान ही सरकार ने हरियाणा में भूमि अधिग्रहण का कानून बना दिया, अब जबरन जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है किसानों की। हरियाणा के अंदर जो है किसानों के ऊपर ग्रामीण विकास शुल्क एक तरह से टैक्स लगा दिया है। हमारी बेमौसमी बारिश से, प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो जाती है, कोई पैसा सरकार मुआवजा नहीं देती। और जो आप कह रहे थे कि आमदनी दोगुनी, तो 2023 की कह रहे थे दोगुनी, लेकिन खुद सरकारी आंकड़े ये बता रहे कि आमदनी बढ़ने की बजाय घट रही है। जो किसान देश के का पेट भरता है और आज वो खुद जो है तंगहाली में आत्महत्या करने पे मजबूर है, ऐसा नहीं चलेगा। हमारी यहाँ से ये कहना है कि या तो सरकार लोगों के हक की नीति बनाए, किसानों के हक की नीति बनाए, अन्यथा ये सरकार को यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर आ रही है 24 नहीं आएगी। देश का किसान लड़ाई लड़ेगा और आएगी तो भी लड़ाई लड़ेगा, हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है। इसने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, सभी तबके जो है वो आज दुखी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सबको बेचा जा रहा है निजीकरण के माध्यम से, खेती को कारपोरेट कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। तो आए या ना आए, किसान तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। ऐसे लड़ोगे तो लड़ाई बार बार आंदोलन आंदोलन से ही लड़ी जाएगी लड़ाई को।
धरना आंदोलन के जरिए लड़ाई लड़ी जाएगी। आंदोलन तो पहले भी हुआ था, पहले मुद्दा हटे थे सरकार को, सरकार को वादा खिलाफ वादा किया, फिर वादा के खिलाफ उतरी। और तो क्या, किसान का 50 किलो का थैला था यूरिया का, 300 रुपए में मिलता था, 5 किलो यूरिया खा गया और 350 का कट्टा मिल रहा है और ब्लैक में मिल रहा। टाइम पे उसको दवाई नहीं मिल रही, टाइम पे उसके खाद नहीं मिल रहा, दवाइयों पर इतने टैक्स लगा दिए, जो 400 की दवाई थी वो 600 में मिलने लगी, और इससे बर्बाद क्या करेगी ये सरकार। आप भी विरोध में आई है? हाँ, विरोध में। हाँ जी, मोदी जी तो कहते हैं महिलाओं का साथ मिलता है, उन्हें महिलाएं क्या साथ दे दिया, 7 साल की बेटी भी सुरक्षा को नहीं, खेल मंत्री ने कहकर क्या देखी होगी, क्या 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 कर दिया महिला का उठी वादा खिलाफ। इन कहता मैं एमएसपी की गारंटी दूंगा, एमएसपी की गारंटी दे थी, दो बिजली जलावा पराली जलावा उस पर कानून बनवा था वो कर थी, क्यों क्या कर दिया थी महिला का, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, कुकर रसोई चलावा महिला क्या कर दिया थी, एक मंदिर मंदिर दिखाओ थी तो मंदिर में बचाने जाओ, उठा मंदिर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमने, पढ़ाई चाहिए हमारे बच्चा ने, नौकरी चाहिए मंदिर, क्या हमने खाने में देगा मंदिर, खाने देगा क्या मंदिर, हमने बच्चे रैली में जाते हैं जब तो आप लोग रोकते नहीं हो, हम तो रुक रहे हैं बच्चे, तो रुक रहे हैं, दिन का सुपड़ा साफ होगा हरियाणा में, तो हम बड़े नहीं दिया फिर आ रही है सरकार। नहीं मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा में, आपने बात की अभी मंदिर की, हरियाणा में जिस तरह से देखा जाता है सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं, सब होता है। मैं भी ये कह रहा हूँ बीजेपी जो राजनीति करी ना जाति और धर्म की, लोग उसके चुंगल में फंसे हुए हैं, हम भी लोगों को यही समझा रहे हैं कि जाति और धर्म जो नहीं, ये कहीं काम आने वाला नहीं है, अगर काम आएगी तो शिक्षा आएगी, काम आएगा तो रोजगार आएगा, इनके चक्कर में जो ना आपसी सद्भाव को मत बिगाड़ो। हरियाणा में देखा क्या हुआ, दो नौजवानों को जिंदा जला दिया, मार दिया गौ हत्या के नाम पे, लेकिन वास्तविकता में ये सारे जो गौ रक्षक बने फिरते हैं घर में कोई एक डांगर भी नहीं है, ये केवल राजनीति है इनकी, जहाँ हिंदू मुसलमान फिट होता है वहाँ हिंदू मुसलमान करते हैं, जहाँ जाट नॉन जाट होता है वहाँ वो करते हैं, जहाँ 36-35 होता है वहाँ वो करते हैं। कैसे सबक सिखाओगे जनता को, वोटों से सिखाएंगे, जो प्रजातांत्रिक तरीका है उसी के द्वारा वोटों में तो करेंगे, नहीं वोटों से मान नहीं होती तो फिर ईवीएम पे आरोप लगता है। नहीं नहीं ईवीएम तो वही बात दिखाई देता है, मतलब आप भी समाज में रहते हो, मतलब समाज में आपस में आदमी इंसान को इंसान से घृणा करवाते हैं। यूनियन का नहीं, मैं जोड़ा लेकर बिक लूंगा, एक जोड़ा है इतनी वहां है साहब, ऐसा का उसका जोड़ा तो जोड़ा दिल को एक उसका जोड़ा लेकर बजावांगे उल्टा गुजरात ओनू का का चाले लो वहां साहब ऐसा का। ओके शुक्रिया। सर लगता है ऐसे आंदोलनों से रास्ता निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा रास्ता, पहले भी निकला था अभी आगे भी निकलेगा, पहले भी किसानों ने जीत हासिल की थी, आगे भी किसान ये भी पंचायत किए, किसानों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है और सरकार को एहसास दिलाया कि सरकार ये ना सोचे कि किसान भूल गए, किसान अभी भी जागा हुआ है, उसको ध्यान है, उसकी मांगों पर जो सरकार ने वादे किए वो वादे आज भी पूरे नहीं हुए। आज की पंचायत के माध्यम से सरकार को चेता है, अगर सरकार नहीं मानेगी तो वापस किसानों के पास वही घोड़े वही मैदान है, फिर लड़ाई के मैदान किसान उतरेगा, ये बताने के लिए आज पंचायत के सामने। सर क्या निकला इस पंचायत में फैसला, लड़ेंगे आगे, लड़ाई वापस शुरू करेंगे, दोबारा आंदोलन होगा, वापस आंदोलन होगा। कब से? ये अभी 5 तारीख का जो है, 5 अप्रैल को जो है, पूरे 5 अप्रैल को पूरे देश के किसान मजदूर खेत मजदूर मिलकर के दिल्ली में आ रहे हैं और लाखों की संख्या में आएंगे और लगातार ये प्रोग्राम जो है, जब तक सरकार किसानों की मजदूरों की जायज मांगे नहीं मानेगी, अभी देश का किसान मजदूर खेत मजदूर मिलकर लड़ना सीख गया है। सरकार तो वादे करते है कि किसान अच्छे हो रहे हैं, मकान मिल रहे हैं, योजनाएं मिल रही हैं, पेंशनें आ रही हैं, आप लोग यहाँ के विरोध प्रदर्शन करते हैं, देखो तो किसानों के दिल से पूछो जी, आप आपके किसानों के पास जाओ, गांव में पता करो क्या हालत है, सरकार क्या बोल रही है, सरकार को तो दिल्ली में बैठे बैठे मजे आ रहे हैं, मोदी जी को यात्रा कर रहे हैं, बिठा दिए तो गलती होगी भाई साहब, ठीक कर देंगे, सुधार देंगे इसको, 14 में हो गई, 19 में हो गई, 24 में फिर होने वाली है, 24 में नहीं होगी गलती, गलती हो गई, मंदिर तैयार है, मंदिर मंदिर तैयार है, जनता समझती है, मंदिर अपनी जगह है, मंदिर बना दिया, लेकिन सोचते हैं देश की जनता पे स्टेटस चलते हैं, वो चलते हैं, उनका 16 आदमी खरीदी हुई पूरी, प्लॉट पर पूरा उन्होंने टीम बना रखी है, 20,000 रुपए तनख्वाह देते हैं उनका, पूरा का पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है, सारा मीडिया उन्होंने खरीद रखा है, पूरा का पूरा तंत्र, लेकिन आपको ध्यान होगा 2004 में भी ऐसा ही किया था, शाइनिंग इंडिया फील गुड फैक्टर, लेकिन जनता जब जाग जाती है तो सब कुछ फैल कर देती है, आने वाले 24 में किसान देश का मजदूर जो है ये सारा का सारा फैक्टर फैल करेगा और मोदी को सत्ता से बाहर करेगा,
ये आपको निश्चिंत मानना चाहिए। सर किसान बड़ी देश में बड़ी तादाद में जिस तरफ हाथ रखते हैं उस तरफ लगता है, लेकिन जब मुद्दे ऐसे आते हैं ना संवेदनशील के, हिंदू मुस्लिम के, मंदिर मस्जिद के, तो आपको नहीं लगता कि एक तरफा मामला हो जाता है? आपकी बात सही है, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन जब वास्तविक मुद्दे सामने आते हैं तो फिर जो नकली मुद्दे हैं ये किसान उनको साइड में पहले भी दिखाया किसानों ने देश के, आगे भी दिखाया। ये बात आपकी सही है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर एक बंटवारा करके जो रायती अंग्रेजों ने शुरू की, बीजेपी इसको बहुत ही आरएसएस बहुत ही चतुराई से आगे बढ़ा रही है। लेकिन ये भी इतिहास गवाह है कि जब वास्तविक मुद्दे आते हैं, आज महंगाई का मुद्दा है, आज बेरोजगारी का मुद्दा है, किसान की फसल के दाम का सवाल है, एमएसपी का कानून बनाने का सवाल है, आज देख रहा किसान अजय सिंह अजय मिश्रा जो टैनी हत्यारा जो किसानों का आज भी मंत्रिमंडल में, इस बेशर्मी को भी देश का किसान देख रहा है। और ये सर क्यों नहीं हटाती बीजेपी? कोई और होता है तो छुट्टे ही उनका इस्तीफा मांग लिया जाता है। अपने नेता ने इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया बेटे ने, कोई उस नेता का आज भी बने हुए अपने पद पे? उनको लगता है भाजपा देखिए उनको साथ लगता है कोई नुकसान नहीं होगा, किसानों को कमजोर समझ रहे हैं, वो किसानों की ताकत को कम करके आंक रहे हैं, और ये उनको इसका जवाब जब तक किसान नहीं देगा तब तक जो है उनको एहसास नहीं होगा, एहसास कराना पड़ेगा। और ये देश के किसान भी देख रहे हैं किस प्रकार की हरधर्मिता जो है, तीन कानून वापस करने के लिए किस तरह एक साल लगा दिया, एक साल तक मोदी सरकार ने पूरी चुनाव के आसपास कोई फिर लॉलीपॉप दे दिया, फिर पलट जाओगे? ये तो वक्त बताएगा, लॉलीपॉप से नहीं पलटते किसान, देश का किसान है जब ये ठान लेता है तो कोई लॉलीपॉप जो है उसको जो है दिखा नहीं सकती। भाई साहब ये साल है जो 23 का जी, ये आंदोलन का साल है, हर गांव शहर में ये हमारा किसान मोर्चा हिंदो आधार है, हर गांव में जाएगा, सतर्क करेगा सरकार के प्रति। ये हमारा मीडिया स्वतंत्र नहीं है, अगर मीडिया स्वतंत्र होनी तो इसके पल्ला कुछ नहीं है, ये गुमराह कर क्या देश सारा। कहाँ से हो? हम हरियाणा से हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट है। तो बढ़िया, बीजेपी की सरकार है खट्टर साहब, बीजेपी की सरकार का हमला पता चल चल रही है, 10 एमएलए थे दसपा के दुष्यंत के, हमने सरकार के खिलाफ वोट लिए थे क्या क्या भाजपा के खिलाफ, और फिर उसकी गोदी में बैठ गया था, ये पैसे का पिकाऊ 11 महकमे ले रहा अगला, उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत लालच की पुड़िया है। क्या कहते हो भाई साहब? ठीक कह रहे, क्या कहते हो? हम तो मीडिया स्वतंत्र जो नहीं, बात पर बात तो करता है मीडिया, दिन रात दिखाता है कि सरकार कितना कर रही है किसानों के लिए, सिर्फ सोशल मीडिया आप बड़े साथ दे रहे हैं सोशल मीडिया, बाकी बड़ी मीडिया हमारे साथ नहीं है, खत्म है, बिकाऊ है, सारे दिन टीवी खोल लो मोदी 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 की बात चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। सर क्या नाम? कमलजीत सिंह जी। कहाँ से आए? पंजाब से ही। क्यों आए? हम आए हैं क्योंकि पहला 13 महीने दिल्ली में एक आंदोलन चलिया सी, उसके में 3 मंगा रखिया सी जो काले कानून मोदी सरकार ने पास की थी, उसकी जो एमएसपी में गारंटी नहीं बनाई थी उसके संबंध में आए हैं, जो किसान पर कर्जा हुआ है माफ करने के लिए जो ये आंदोलन है, इसीलिए हम दिल्ली वाले द्वारा कुछ करना है। आप क्या कह रहे हो? सरकार तो कहती है बहुत कुछ दे रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं किसानों के, अच्छी देने नहीं कुछ नहीं दिया, जो मोदी कह रहे हैं कि पंजाब के अच्छे दिन है, सानू तो लग नहीं रहा है अच्छे दिन है, मोदी बोलता सी जो मेरी सरकार आएगी आ जाएगी मैं जो किसान की आमदन दुगनी कर दूंगा, हमको तो किसी को पता नहीं लग रहा किसी ने क्या दुगना कर दिया, किसी ने तो महंगाई बहुत कर दिया। पंजाब सरकार बढ़िया है आम आदमी? नहीं नहीं, वो भी बहुत माड़ी सरकार बन गई है, उसने भी किसानों बारे कुछ नहीं सोचा। आप सरकार बढ़िया नहीं है, कांग्रेस को आपने मौका नहीं दिया, बीजेपी की बुराई कर रहे हो, सर सही कौन सी है? नहीं सही क्यों है? ऐसे तरह है क्योंकि पहला अकाली दल की सरकार होती थी, फिर कांग्रेस की सरकार हुई, फिर आम आदमी की सरकार आई, पंजाब के लोग का शौक था बीजेपी सरकार बदली जावे, क्या पंजाब का सुधार हो सकता गा, पर नहीं सुधार नहीं होया क्योंकि उसके बहुत पंजाब का बुरा हाल हो चुका है। कैसे देखते हो सरकार मानेगी? हाँ जी मानो, आपके एमएसपी की मांगे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महिला किसान है, आदिवासी किसान है, कृषि से जो संबंधित सारी जो मामले हैं, सरकार मानेगी जो आपकी मांगे? मंगा ना मानेगा, इन्होंने पहला
चारे मौका मनिया हुआ सरकार ने भी एमएसपी कृषि कानून वापस लिए, बस एमएसपी तो वही की वही मांगे अभी भी। हाँ जो तन्ने कानून वापस लाए है वो तो मंगा भी मनिया से है, पर हम मुखरी भी है जी। इसलिए लग रहा है मांगे मानेगी सरकार, माननी पड़ेगी जी, इसीलिए तो आए हैं। कैसे सिखाओगे सब? सरकार सर इसी नहीं है, सरकार ने मांगा था जो है मांग ली है, उसका जो कानून है वो कानून नहीं लागू किया। 13 महीने किसान इस गया दिल्ली के अमरूहा ऊपर बैठे रहे, एक साल हो गया आंदोलन को खत्म हुए नु भी, ये सरकार लारे लाई आती है जो भाजपा सरकार होती है भी हम कानून लागू कर देंगे कर देंगे, उसी तरह जो कानून है उसी तरह ही पे है, वो लागू करवाने लिए हम दोबारे दिल्ली में महापंचायत शुरू की है। लगता है महापंचायत से कोई नतीजा निकलेगा? निकलेगा 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 निकलेगा, जेकर सरकार ना मिलेगी जो अगे तरह किसान 13 महीने दिल्ली पर बैठी रही, इस तो भी ऊपर आंदोलन बड़ा होएगा, जो किसान अगे 6-6 महीने की रास्ता लेके सी, हम दोबारा किसानों जे कर ये आंदोलन चलाना पे एक साल का हम रास्ता लेके दिल्ली दिया ब्रूहा पर फिर बैठेंगे। लेकिन साहब जोरदार असर नहीं हुआ, आंदोलन बहुत चला लेकिन सरकार पे असर नहीं, सरकार को असर हुआ सी, थोड़ा सा असर हुआ सी, वो जितना जोरदार आंदोलन था जिस तरह से किसानों ने शहादत दी है अपनी, जितना लंबा जोरदार लंबा चला, बड़े बड़े आंदोलन सर सरकारें पलट देते हैं लेकिन इससे नहीं, जो सरकार है बहुत निकम्मी निकल चुकी है, क्योंकि इस धरने ऊपर 700-750 किसान थी जो शहीद हो गया सीगा, उसी को परिवार को भी किसी को इंसाफ नहीं मिला, वो भी हम इंसाफ दवा के जावांगे तो जेकर सानू दोबारे कोई आंदोलन बढ़ना पाया तो जो सानू आगू साढ़े कहेंगे असं दोबारे भी अपना आंदोलन बढ़ सकते हैं, इस तो बड़ा बढ़ सकते हैं। शुक्रिया।